पीने वाले पानी की आ, पखिया की मुश्किल है, बहन की मुश्किल है, चेयर की, वो आ दूजा इतने डिजिटल सिस्टम लाने की लड़ है। कि नंबर वारी है नैटवर्क की, आर्मी एरिया करके इतने नैटवर्क डाउन है। सरकार के वादे तद पूरे होते जो सरकार ओपोजिशन बराबर का रोल निभाने का मौका दे। सरकार तो गल नहीं सुनना चाहती, अखबार से अपने विरुद्ध खबर नहीं वेखना चाहती, टीवी से अपने विरुद्ध खबर नहीं सुनना चाहती। तो जो योजना गल् हो फिर सब अच्छा अपने आप में लगता ग्राउंड से फर्क पै जाता है। जिदा मोदी साहब सेंटर सेंटर च लगे ने भी किसी जिहड़ा नैशनल मीडिया है वो किसी की खबर नहीं चल सकती, कोई मुद्दा नहीं चल सकता। इस तरीके पंजाब दे विच यही हालात ने कि पंजाब दे चैनलों के उत्ते खबर नहीं चल सकदियां जिहड़ियां सरकार दे विरुद्ध ने, कोई मुद्दा जिहड़ा सरकार दे विरुद्ध च वो नहीं चल सकता। मेरे इहो जिहे सरपंच इत्थे अमृतसर च ध्यान च ने जिन्होंने करोड़ां रुपये खाधे वो परने पाए आ, उन्हां दी गड्डियां चढ़े फिरदे, ते जिन्हां ने नहीं खाधे जिन्हां ने सही काम कीता उन्हां दी इनक्वायरियां खोली जांदे। इस टाइम असं उत्थे मौजूद हाँ जिथे कि लसेंस बनते हैं, देख सकते हो कि लंबी तादाद लाइन लगिया हुई ने। लोग सवेर से 7 बजे इतने पहुंचे हुए हैं पर मुश्किलों का सामना करना पै रहा, पर जो इदा तस्वीर सामने आई हैं तो कांग्रेस के MP गुरजीत सिंह ओजला मौके पर पहुंचे ने। सवेर तो ही उन्होंने वालों 8 बजे लोगों गलबात की जा रही है, जो लोगों को मुश्किल आ रही हैं क्योंकि सरकार के वालों वे वे वादे किए जाते हैं कि तुम किसी भी सरकारी दफ्तर जाओगे सब तो पहला जिहड़े काम करने वाले ने उन्हां दा जल्दी जल्दी काम होगा। पर तस्वीर कुछ ग्राउंड जीरो के उपर कुछ हो रही है, वह सब कि देख रहे हो अच्छी मौके पर पहुंचे हो, की मुश्किल आ रही है? देखो मैं मौके पर पहुंचा, लोगों को मिले भी हाँ। देखो जी तो ऑनलाइन कोई सिस्टम है लैन का, इतने डेट लैन का वो कोई दिक्कत नहीं हैगी, मैं पूछा सारे। और दिक्कत जी मेन इतने देखने मिली वो तो एक तो बहन का प्रबंध है नहीं गा, तो 7 बजे 8 बजे लोग आ जाते क्योंकि उन्होंने पता नहीं किन्ने बजे समझते कि मैं पहलों आ जाऊँ पहलों वेला हो जाऊंगा। जो 50 बंदे आने तो टाइम ने एक एक करके ही फ्री होना है। इतने सब तो वड्डी दिक्कत जी एक तो इतने इंटरनेट बहुत स्लो है, आर्मी एरिया होने करके दिक्कत है। वो हॉटलाइन अप्लाई की मैं GM BSNL बुलाया हूँ इतने, वो क्यों इन्हों डरे कर रहे इमीजिएटली दूर किया जाए। दूसरा सफाई का बहुत बुरा हाल है, बहन का बाहर कोई प्रबंध नहीं है। तुम देखो लोग मोटरसाइकिलों पर बैठे ने, दीवारा ना खड़े ने, तो दीवारा का भी बहुत बुरा हाल है, पेंट होने वाला है। जिहड़ा सेक्टर जी प्राइवेट कंपनी इतने चला रही तो कुछ जिम्मेवारी बन दी, सफाई का तो घट्टो घट्ट प्रबंध रखो। ये हम तुम्हें सरकार ने 24 घंटे झाड़ू देना पड़ना, तुम्हें भी तो कुछ जिम्मेवारियां ने, कुछ इन्हों जिम्मेवारियां ने। सरकार जिहड़े वादे करती है सरकार घट्टो घट्ट ग्राउंड के उत्ते जिहड़ी रिपोर्ट है वो जरूर लवे। हुण इत्थे पीण वाला पानी चाहिए है क्योंकि इत्थे 100-150 बंदा 200 बंदा एट ए टाइम खड़ा रहिंदा है, गर्मी का सीजन। सो इसे करके मैं भी इस करके शुरू किया कि हुण सारे दफ्तरां च जा के जिथे जिथे कोई सिस्टम की कमजोरी है उन्हें ठीक करना, जिथे सरकार है सरकार को भी ध्यान च लिया, जिथे कोई सिस्टम की खराबी है उन्होंने भी ठीक करना। सिस्टम की खराबी लग रही है, कई जेंट बाहर खड़े ने, कोई भी उन्होंने मिलता उन्होंने जल्दी काम पर जो लैंड च लगे इन्होंने काफी समय गल मैं इन्हों पुछ रहा दस दसदा कोई नहीं गा। मैं इन्होंने पूछा तुम कई एजेंट न मिले आते नहीं, ये तो इन्होंने दसना चाहिए, पर साडे ध्यान चाहिए भी काम एजेंटा थ्रू होंगे है। पर कुछ जो लोग साडे भी ने मैं उन्होंने बेनती करूंगा कुछ चीज़ा ऑनलाइन है ने अभी आप करने की बजाय एजेंट को चले जाने उत्थे अपने आप को भी ठीक रखना चाहिए है। और मैं सारे भी पूछा वा अंदरों भी पूछा, कंप्लेट आई थी खबर भी पिछले बहुत वड्डी लगी सी, वो लगी सी कि जी कोई फर्ज करो छुट्टी आ गई कोई टैक्नीकल खराबी आ गई बंदियां नूं अज अपॉइंटमेंट लई सी वो आए नहीं, उन्होंने मुड़ के फिर कहते दोबारा अपॉइंटमेंट लो। वो हुण इन्हां नूं मैं कहा सी RTA ने उदों भी गल हुई सी अज भी हुई आ, वह कहिंदे हुण मैं वो मेरे को हैगा मैं उन्हूं इमीजिएटली जिद्दन कोई प्रॉब्लम आउंदी आ उदन मैं उहदा हल कर दिंदा। पीने वाले पानी की आ, पखिया की मुश्किल है, बहन की मुश्किल है, चेयर की, वो आ दूजा इतने डिजिटल सिस्टम लाने की लड़ है। कि नंबर वारी है बहुत नैटवर्क की बहुत प्रॉब्लम नैटवर्क की, आर्मी एरिया करके इतने नैटवर्क डाउन है। उही मैं अब GM बुलाया BSNL आ रहे रस्ते च, उन्होंने लिया के उन्होंने इतने मौके से जी कोई दिक्कत है उन्होंने कहना भी इमीजिएटली दूर करो। सरकार के जो वादे ने पूरे हो रहे? सरकार देखो अखबारों से बहुत ज्यादा पूरे हो रहे, पर धरातल की स्थिति का बहुत फर्क है। सरकार के वादे तद पूरे होते जो सरकार ओपोजिशन बराबर का रोल निभाने का मौका दे। सरकार तो गल नहीं सुनना चाहती, अखबार से अपने विरुद्ध खबर नहीं वेखना चाहती, टीवी से अपने विरुद्ध खबर नहीं सुनना चाहती। तो जो योजना गल् हो फिर सब अच्छा अपने आप में लगता ग्राउंड से फर्क पै जाता है। सरकारी दफ्तर ने टाइम चेंज कर लिया, अफसर मौके से कुर्सी से मिलेंगे नहीं मौके से मिले हैं। मैं भी कहा कि अफसर नहीं है सारे है, बट मैं तुम उही गल कह रहा कि जिन्ना चिर लोग मुद्दे जोड़े आ सरकार नहीं सुनूगी, सरकार ओपोजिशन की आवाज़ दबाऊगी तो गल होनी नहीं। तुम वेख लो जिदा मोदी साहब सेंटर सेंटर च लगे ने भी किसी
ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਹੈਲਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹਿਣਗੇ, ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੇ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਉੱਥੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਿੰਗ ਵਧੀ ਆ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਐਤਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ 'ਚ ਕੀ BDO ਕੀ DDPO ਕੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਮੋਲਡ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਾਂਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਰਪੰਚ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਾਧੇ ਆ, ਉਹ ਪਰਨੇ ਪਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਚੜ੍ਹੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖਾਧੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਐਡੀ ਲੰਬੀ ਤਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਣਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮਨੋਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।